बहरीन का बस बहुत ही सुंदर होता है, इसमें वाईफाई एसी हर चीज़ का व्यवस्था इसमें हॉल है और इसी के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं। बहुत बेहतरीन है और देखते हैं इसका क्या प्राइस है। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। पासपोर्ट से रिलेटेड और वीजा से रिलेटेड इन सभी चीज़ जानकारी हमारे चैनल पर दी जाती है, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। दोस्तों आज हम दिखाने जा रहे हैं अपना कैंप, और कैंप में हम कैसे जाते हैं अभी मैं बाहर में हूँ और मैं जाऊँगा अपना कैंप में। चलिए आपको दिखाते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा और प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों मैं अभी आया था समुद्र पे समुद्र देखने के लिए, और मैं अभी जा रहा हूँ अपना कैंप में, और मेरा कैंप अभी यहाँ से बहुत कुछ ही दूरी पे है, ज़्यादा दूर पे नहीं है। मेरा कैंप इधर है, तो आप लोग ऐसे ही बने रहिए मेरे वीडियो पे और मैं आपको अपना कैंप दिखाने वाला हूँ और बहुत कुछ दिखाने वाला हूँ। प्लीज़ आप लोग ऐसे ही वीडियो पे बने रहें। दोस्तों बहरीन में आए, बहरीन बहुत ही बेस्ट जगह है और बहुत ही अच्छी जगह है। आप इसमें आप यहाँ पे ज़रूर आएँ, यहाँ पे ज़्यादा टूरिस्ट इलाका है और बेहतरीन इलाका है यहाँ पे घूमने के लिए, और हर जगह मतलब कि बहुत ही बेस्ट है। आपको यहाँ पर रात के समय में आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको हर जगह एकदम रोशनी ही रोशनी, और आपको बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगेगा कि आप मतलब कि रात में अंधेरे में चल रहे हैं। यहाँ पे हर जगह उजाला ही उजाला रहता है। आप लोग यहाँ पे आए और यहाँ का नज़ारा देखें। और वीजा स्टार्ट हो चुका है, वीजा एकदम नॉर्मल हो चुका है। यहाँ पे कोरोना एकदम ग्रीन जोन में चल रहा है, यहाँ पे कोई भी कोरोना का मतलब सिस्टम अभी बिल्कुल नहीं है। मैं आप हमको देख सकते हैं कि हम बिना मास्क के यहाँ पर चल रहे हैं। यहाँ का जो नियम है, ये नियम होता है कि अगर आप अकेले हैं तो आप बिना मास्क के भी चल सकते हैं, तो अगर आपके साथ दो आदमी हैं तो आपको मास्क लगाना ज़रूरी है, नहीं तो आप अकेले हैं तो आपको कोई फाइन नहीं भरना पड़ेगा। और यहाँ पे अगर बिना मास्क के अगर दो आदमी साथ में अगर पकड़े गए तो आपको फाइन देना पड़ेगा, अकेले हैं अगर बिना मास्क के हैं तो आपको फाइन नहीं देना पड़ेगा। तो हमारे कैंप के सामने ही एक मॉल है और मैं वहाँ पे जाने वाला हूँ, आपको दिखाने वाला हूँ कि वो कैसा मॉल होता है। और देखिए मैं हमको एक छोटा सा बस सामान लेना है और ज़्यादा कुछ नहीं लेना है, एक छोटा सा जो हमको तेल लेना है वो सर में लगाने के लिए, तो वैसा ही कुछ लेना है हमको। तो चलिए आपको मॉल दिखाते हैं। देखिए दोस्तों ये भी एक कंपनी है और बहुत ही अच्छी कंपनी है, और एक का नाम है थ्री डी आई इंटरनेशनल, और एक का नाम है एरोडस कंटेंटिंग एंड मेंटेनेंस कंपनी। ये भी बहुत बेहतरीन कंपनी है, और आप लोग आगे बने रहिए वीडियो पे। यहाँ पे एक कैंप बन रहा है और बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। बहुत ही अच्छी जगह है, यही हमारा कैंप है दोस्तों, हम इसी के अंदर प्रवेश करेंगे। लेकिन प्रवेश करने से पहले हम लोग मॉल में चलते हैं और देखते हैं, पहले देखना है कि मॉल खुला है कि बंद है, ये भी देखना पड़ेगा। चलिए दोस्तों, और बहरीन का बस बहुत ही सुंदर होता है, इसमें वाईफाई एसी हर चीज़ का व्यवस्था इसमें मॉल है, और इसी के अंदर हम प्रवेश करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा मॉल है, अभी नया मॉल खुला है और बहुत ही बेहतरीन मॉल है। चलिए इसके अंदर हम प्रवेश करते हैं। चलिए इसके अंदर हम दिखाते हैं इसके अंदर क्या क्या सिस्टम है, क्या क्या है। और देखिए इसके अंदर बहुत ही बेहतरीन है,
और हमको लेना है एक तेल, हमको लेना है एक तेल और देखते हैं कहाँ मिलता है। और तेल ढूंढना पड़ेगा, तेल कहाँ है। और देखते हैं ये देखिए यहाँ का पूरा ठंडा रहा, कहाँ मिलेगा आपको। पकड़ पकड़ पकड़, पैसे दे दो। ये रहा वैसलीन का हेयर ड्रॉप, ये है नारियल तेल, और ये आपका रहा ये है कोकोनट ऑयल। ये जमेगा तो नहीं। इसका दाम देखिए, इसका दाम है एक बीड़ी 450 रुपया। चलिए इसका बिलिंग कराते हैं। हम देख सकते हैं बहुत बड़ा मॉल है और बहुत ही बेहतरीन मॉल है। चलिए एक ठंडा लेते हैं और आप देखिए हम लेते हैं माउंटेन ड्यू। ये भी ठंडा बहुत बेहतरीन है और देखते हैं इसका क्या प्राइस है। चलिए दोस्तों देखते हैं इसका क्या प्राइस है। देखिए दोस्तों ये हमको बिल मिला है और यहाँ का जो बिलिंग है आप लोग देख सकते हैं, ये आपको 250 फील्स का एक ठंडा पड़ा है। 250 फील्स मतलब 250 फील्स मतलब कि 20 दिन के 45 रुपए का ठंडा पड़ा। इंडिया मनी के हिसाब से 45 रुपए का ठंडा पड़ा और आपका आपका और दूसरा पड़ा है एक बीड़ी 400। एक बीड़ी 400 का मतलब 290 और 280 के बीच में वो तेल हमारा पड़ा। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये तेल हमारा पड़ा। मैं आ चुका हूँ अपने कैंप में और मैं जा रहा हूँ अपना कैंप में। और हमारा कैंप देखिए हमारे रूम तक हम आपको ले चलेंगे, हमारे रूम तक आप चलिए। अभी इधर में खुदाई का काम चल रहा है, अभी इधर मेंटेनेंस चल रहा है, तो आप लोग देखते रहिएगा। तो कुछ दिन के बाद से ये भी ठीक हो जाएगा। ये है हमारा रूम में जाने का रास्ता, आपको ले चलते हैं। ये सीढ़ी है हमारा किचन, देखिए हमारा किचन, और ये है हमारा का। ये सीढ़ी से ऊपर मेरा रूम है सेकंड फ्लोर में। हमारा रूम है ये है 210 और ये है 209। चलिए दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन ऑन कर ले। जय हिंद जय भारत। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, नोटिफिकेशन जरूर ऑन करें और हमको सपोर्ट करें।